इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। विश्वविख्यात जैसमन झील से उदयपुर शहर को पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई जा रही बड़ी पाइपलाइन के विरोध में प्रदर्शन को लेकर झील बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण और किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसमन झील की पाल पर करीब 5,000 से अधिक लोगों की भीड़ आंदोलन कर रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि 215 करोड़ रुपए लागत से जैसमन झील से उदयपुर तक करीब 60 किलोमीटर तक डाली जा रही बड़ी पाइपलाइन से दुगुने से अधिक पानी सप्लाई किया जा सकेगा, जिससे जैसमन झील जल्दी खाली हो जाएगी। झील में पानी जल्दी खत्म हो जाने से क्षेत्र के हजारों किसानों और 150 से अधिक गांवों को पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ेगा। मौके पर सलूम्बर विधायक अमृतलाल समेत मेवल और छप्पन इलाके के सैकड़ों सरपंचों, जनप्रतिनिधियों ने पाल पर विरोध प्रदर्शन किया। और आए हुए मेरे बहनों और माताओं और पुलिस डिपार्टमेंट, एमएलए साहब, अध्यक्ष साहब और सभी से मैं यही आशा करता हूं कि एक बुढ़ा ये अपने अगर रोग लग गया, थोड़ा सा हाथ पकड़ाया इनको, थोड़ा सा पानी जाता था, अब सारा लेना चाह रहे हैं, इनमें कोई उसमें कोई योगदान नहीं है। किसानों को जगना चाहिए, ये पानी अपनी भूमि में, उधर पानी होता ना जोधपुर राजसभा तो अपन को पीने के लिए नहीं देते थे, एक बाल्टी भर के देते थे और गर्म पानी के लिए पोस्टर देते थे। उधर अपन बाहर जाते हैं जोधपुर, उधर बीकानेर, जैसलमेर, एक बाल्टी 20 रुपए लेते और अपने वाला पानी उधर जा रहा है। अपन उंगरे अपने एक भारी बीमारी लगी है और किसान